फ्रेंड्स, जब भगवान को आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करने हो या कुछ बड़ा करना हो, सो वो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दूत भेजेगा जो आपकी बहुत बेइज्जती करेगा। ये सुन के चौंक तो गए होंगे ना कि भाई ऐसा क्यों भगवान कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा क्यों बंदा भेजेगा जो आपकी बेइज्जती करेगा। दोस्तों, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, लाइफ में कामयाबी हासिल करनी है, तो बेइज्जती तो करवानी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो आपके पीठ पीछे या आपके आगे या कहीं पे भी आपकी बेइज्जती करते हैं, आपके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं। दोस्तों, ये लोग भगवान के वही भेजे गए दूत हैं। इनसे कभी लड़िएगा मत, इनको पलट के कभी गाली मत दीजिएगा, क्योंकि ये आम लोगों का काम है, हम खास लोगों का नहीं। जो खास होते हैं वो इन लोगों को किसी दूसरे तरीके से जवाब देते हैं। उदाहरण के तौर पर रतन टाटा, आपने नाम तो सुना होगा दोस्तों, और शायद आप उनकी गाड़ियाँ भी चलाते होंगे। उनका इस सर्विस क्लास का एक डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ थी जो इतनी सक्सेस नहीं हो रही थी। सो वो सहायता मांगने फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड के पास गए और उन्होंने कहा कि वो उनकी गाड़ी खरीद लें। सो उन्होंने उनकी गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव से स्वीकार किया, पर रतन टाटा की बहुत बेइज्जती की। उनसे कहा कि जब गाड़ी बनाने नहीं आता तो बनाते क्यों। दोस्तों, रतन टाटा को वो बेइज्जती बहुत जम के लग गई और वो इंडिया वापस आ गए। और उन्होंने अपने इंजीनियर की टीम बुलाई, उन्होंने अपने इंजीनियरों को आदेश दिया कि पूरा फोकस, पूरा ध्यान आप उसी डिपार्टमेंट के सर्विस क्लास गाड़ियों पे लगाओ जिनकी बात वो बिल फोर्ड से करने गए थे। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, उनके टीम ने इतनी मेहनत की कि आगे भविष्य में एक दिन ऐसा आया, फोर्ड कंपनी टाटा ग्रुप के पास आई और उन्होंने अपनी जैगुआर और रेंज रोवर जैसी गाड़ियों को उनके सामने बेचने का प्रस्ताव रखा। और यहाँ पर बात बिल्कुल ठीक वैसी हो गई थी जैसे रतन टाटा एक बार बिलफोर्ट के बात गए थे, पर रतन टाटा ने उनका प्रस्ताव भी स्वीकार किया और उनकी बिल्कुल बेइज्जती नहीं की। यही आदत होती है बड़े लोगों की। दोस्तों, बड़े लोग कभी भी अपनी बेइज्जती का जवाब बेइज्जती से नहीं देते। ये तो सिर्फ आम लोगों की बात होती है, और किसी की बेइज्जती करना भी आम लोगों की बात होती है, क्योंकि बड़े लोगों के पास समय ही नहीं होता है किसी और के बारे में बातें करने का। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूं, आपने अमिताभ बच्चन का तो नाम सुना ही होगा, हमारे देश के सबसे बड़े एक्टर। जब वो एक FM ग्रुप में काम करने गए तो उनको ये कह कर मना कर दिया गया, क्योंकि उनकी हाइट और उनकी आवाज़ काफ़ी भारी है। उनकी हाइट काफ़ी लंबी थी और उनकी आवाज़ काफ़ी भारी थी, और उन्होंने उसी हाइट और उसी आवाज़ पर काम करके आज देश में इतना नाम कमाया कि आज उनकी फिल्मों में सिर्फ उनकी आवाज़ के बैकग्राउंड म्यूजिक दिए जाते हैं। यही बात करूं अगर मेरे राष्ट्रपिता बापू की, कि एक दिन उनको ट्रेन से सिर्फ इसलिए निकाला था क्योंकि वो सिर्फ काले थे। अंग्रेजों ने उनसे कहा था कि तुम इस ट्रेन में बैठने के लायक नहीं हो। ये बात उनको इतनी बुरी लग गई कि जब वो इंडिया आए तो उन्होंने ठान लिया और क्रांतिकारी आंदोलन करके पूरे देश से एक एक अंग्रेज को खदेड़ के बाहर निकाला। दोस्तों, आपने चेतन भगत का नाम तो सुना होगा ना। शुरू में जब वो एक ऑफिस में काम करते थे और उनसे जब एक काम का आउटपुट नहीं निकला, उनसे बॉस ने उनकी काफ़ी बेइज्जती की और उन्हें जॉब से निकाल दिया। दोस्तों, वही चेतन भगत जिनके इंसल्ट करके एक दिन एक आदमी ने उनको ऑफिस से निकाला था, आज उनको पूरा देश जानता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक लाइफ का एक बहुत बड़ा मंत्रा देना चाहता हूँ कि अगर आप कभी किसी से इंसल्ट हुए तो सबसे पहले हमें बहुत तेज गुस्सा आता है, उस गुस्से को काबू रखिए, कंट्रोल कीजिए। कभी उस गुस्से को किसी और पे मत निकालिए, अपने घर वालों, अपने दोस्तों पे, या उस व्यक्ति पर, या उस व्यक्ति पर जिसने आपको इंसल्ट किया है। उस गुस्से को आग बनाकर अपने काम पे निकालिए, ताकि लाइफ में आप इतना बड़ा काम कर जाएं कि देखने वाला आपको सिर्फ देखता रह जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा हो। अगर आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वाकई में ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कमेंट देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया है, आप वहाँ पर जाके लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।